हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय राधे केशव ब्लॉग। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ खाली पड़े मिठाई के डब्बे से बना हुआ खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने यूज़ किया है फ्रूट्स रखने के लिए, मतलब फ्रूट बास्केट बनाई है मैंने मिठाई के इस डब्बे से। ये देख रहे हैं आप लोग, ये खाली पड़ा हुआ डब्बा था, इसका बेस मैंने यूज़ किया है। नीचे वाला पोर्शन जो मिठाई के डब्बे का होता है, इसको मैंने यूज़ किया है फेवी बॉन्ड की मदद से। मैं सारे स्क्यूअर्स इसके चारों तरफ चिपका रही हूँ। फेवी बॉन्ड एक बहुत अच्छा ग्लू है, जो कि ग्लू गन और फेविकोल के बीच की चीज़ आ जाती है। इसे आराम से चिपक जाता है, बस थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है ये भी। और इससे मैं फिर नीचे का हिस्सा रोप से, मतलब ये जो जूट की रोप होती है, उसे चिपका रही हूँ। मैंने अपनी मिठाई के डब्बे के नीचे के हिस्से को कवर कर दिया जूट रोप से, फेवी बॉन्ड की हेल्प से, और ये दिखने में फिर कुछ इस तरीके का दिखने लगा। नीचे के हिस्से को कवर करने के बाद फ्रेंड्स, फिर मैंने ऊपर उसको कवर करना था, तो उसके लिए मैंने दो मैक्रेमे की रोप्स लिए हैं, एक ब्लैक और एक ऑफ वाइट। ये दोनों कंट्रास्ट में जा रही थी, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो पहले मैंने इन दोनों रोप्स को अंदर की साइड चिपका दिया फेवी बॉन्ड से अगेन, और चिपकाने के बाद फिर मैंने इस तरीके से निटिंग शुरू की। पहले मैंने ब्लैक लिया, फिर वाइट, मतलब दोनों रोप्स एक साथ चल रही हैं जैसा आप लोग देख रहे हैं। बहुत ईजली हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस, और बहुत ही अच्छी वीविंग हुई इससे। ये देखिए, मैंने ब्लैक अल्टरनेटली, फिर वाइट अंदर किया, फिर ब्लैक अंदर किया, फिर वाइट अंदर किया। इस तरह से हमने पूरे अपने स्क्वायर्स को कवर कर दिया वीविंग करके, और ये ऊपर हम आ गए हैं। अब हमें ऊपर की मार्जिन बनानी है फ्रेंड। मार्जिन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो ब्लैक कलर का मैक्रेमे थ्रेड था, उसे लूप्स देती गई मैं, और सारे स्क्वायर्स को इस तरीके से लूप देके मैंने कवर कर लिया। उसके बाद मैंने बचे हुए स्क्वायर्स जो दिख रहे थे ऊपर, उन पर फेवी बॉन्ड लगा के सेम प्रोसेस वाइट कलर के मैक्रेमे थ्रेड से किया। यानी कि फेवी बॉन्ड लगा के मैंने वाइट कलर के मैक्रेमे थ्रेड से लूप दे दिया, तो इससे क्या हुआ कि वो सिक्योर हो गए। जो नीचे मैंने फंदे लगाए थे थ्रेड से, वो सिक्योर हो गए, वो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर लूप देके उनको चिपका दिया था। अब मैंने बेस पे, मिठाई के डब्बे के बेस पे सेल्फ एडहेसिव पेपर ब्लैक कलर का लगाया। उसकी साइड्स में भी मैंने सेल्फ एडहेसिव पेपर ब्लैक कलर का लगा लिया, तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगने लगा। साथ में मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ये देखिए। फ्रेंड्स, मैंने एक बेकार पड़े हुए मिठाई के डब्बे से खूबसूरत सी फ्रूट बास्केट तैयार कर ली। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत बड़ा भी बना है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। हम लोग ये किसी भी और यूज़ के लिए भी ला सकते हैं, जैसे बाथरूम में रख सकते हैं, इसमें अपनी टॉवल्स वगैरह रख सकते हैं, सोप्स शैम्पूज़ वगैरह रख सकते हैं, फेस वॉश वगैरह आ जाएगा इस पर। अदरवाइज़ हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं, वहाँ बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आ जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से हमने एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र तैयार किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।